हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स की, ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं और आपको स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत जरूरी होते हैं। सी स्पोकन इंग्लिश की जब मैं बात करूं, फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल यूज देम एंड हमारे को क्या होता है, हमारी अगर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छी भी है सो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। दे हैव बेसिकली उनका जो मीनिंग है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए आज के वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे कि आपको स्लाइड दिख ही रही होगी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स रिलेटेड टू कम। तो अब इनके साथ मैं जैसे ही कम के साथ कोई प्रेपोजिशन ऐड करूंगा तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज कम अक्रॉस। तो जब मैं कम अक्रॉस की बात करता हूँ तो कम अक्रॉस का मतलब है कि अचानक से मिलना, फाइंड यूजुअली बाय एक्सीडेंट। सो आप घूम रहे थे और अचानक से आपको कोई चीज मिल गई, आपको पैसे मिल गए, आपको कोई प्रॉब्लम मिल गई, तो यू केम अक्रॉस समथिंग। सो कोई भी चीज जब आपको अचानक से मिलती है तो हम उसको बोलते हैं कम अक्रॉस। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इन द मेडो। मेडो होता है आपका जो मैदान होता है बेसिकली, जहाँ पे घास होती है, जहाँ पे गाय भैंस चरती है या खाना खाने जाती है। इन द मेडो ही विल कम अक्रॉस अ रेयर फ्लावर। ठीक है, तो उस जगह पे उस मेडोज में उसको क्या मिलेगा, उसको एक बहुत ही अनोखा अलग सा फूल मिलेगा। तो कम अक्रॉस इज जब आपको कोई चीज अचानक से मिल जाती है। सेकेंड वर्ड की बात करते हैं कम आफ्टर। कम आफ्टर जैसा वर्ड शो कर रहा है वैसा ही है, बट इट इज अबाउट टू फॉलो समथिंग। ठीक है, तो जब आप किसी के पीछे जाते हो, किसी को फॉलो करते हो तो दैट इज कॉल्ड कम आफ्टर। ये पढ़ के समझ में आ जाता है मीनिंग, जैसे परस्यू एंड फॉलो, तो इसके सिनोनिम्स हो गए परस्यू एंड फॉलो। इसका मीनिंग हो गया डोंट ट्राई टू कम आफ्टर मी। थर्ड वर्ड इज कम अवे। ठीक है, कम अवे इज जब कोई चीजें अलग अलग हो जाती हैं, चाहे आप खाना बना रहे हो, जैसे वो इसमें एग्जांपल लिखा है बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग। जब आप किसी चीज से अलग हो जाते हो तो उसको हम कम अवे बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द केक्स हैव स्टार्टेड टू कम अवे फ्रॉम द पैन। मतलब जैसे आप अंडा बना रहे हो, केक बना रहे हो, चिपक गया पतीले में, जब वो छूटना शुरू होगा तो मैं क्या बोलूंगा, कम अवे। ठीक है, कम अवे और कम अपार्ट में डिफरेंस क्या है, कम अपार्ट में वो चीज टूट गई, खराब हो गई, कम अवे में वो चीज अलग हो गई। तो हो सकता है आपको अलग करने की जरूरत हो सकता है अलग करने की जरूरत ना हो। सो कम अवे इज जब आप अलग कर रहे हैं एंड कम अपार्ट इज जब आप उसको तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अलग तो दोनों केस में हो रहा है मगर वो टूट जा रहा है। तो अगर कप का हैंडल अलग हो गया तो मैं बोलूंगा कम अपार्ट, और अंडा फ्राई पैन से अलग हो गया तो मैं बोलूंगा कम अवे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। कम अवे में आप उसको तोड़ नहीं रहे हो, आपको उसको अलग करने की बेसिकली जरूरत हो सकती है, एंड कम अपार्ट में वो बिल्कुल टूट ही गया है। तो जैसे हमने लिखा हुआ है कम अपार्ट का मीनिंग है ब्रेक और सेपरेट। अब मीनिंग क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कप केम अपार्ट इन माई हैंड, मतलब कप मेरे हाथों में टूट गया। कम अराउंड का मतलब क्या होता है, जब आप वापस अपनी गलती मान लेते हो, आप किसी से अग्री कर जाते हो, या जब आप अपनी ओपिनियन चेंज कर लेते हो, दैट इज कम अराउंड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपको बोला कि इंजीनियरिंग करनी है, आपने कहा नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे आर्मी करनी है या मुझे डॉक्टर बनना है, एंड योर फादर सेज कि ठीक है इंजीनियरिंग ही करनी है, और तुम भी अड़ गए, तुमने कहा माई फादर विल ग्रेजुअली कम अराउंड, मतलब ग्रेजुअली वो मेरी बात मान जाएंगे और मुझे डॉक्टर बनने देंगे और सो ऑन। तो कम अराउंड इज जब आप अपनी ओपिनियन बदल लो जैसा आप सोचते हो, चेंज वंस माइंड। जैसे कि गिव हर टाइम एंड शी मे कम अराउंड एंड सी थिंग्स योर वे, उसको थोड़ा सा सोचने का टाइम दो और फिर वो शायद चीजें तुम्हारे हिसाब से देखने लगे। कम अलोंग के दो तीन मीनिंग्स होते हैं। कम अलोंग का एक जो बहुत आसान मीनिंग है दैट इज अकंपनी। अकंपनी मतलब किसी के साथ जाना, जो इसमें लिखा हुआ है आई वुड लाइक यू टू कम अलोंग विद मी, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ चलो। सो बट कम अलोंग का दूसरा मीनिंग क्या होता है, साथ में वो भी आ गया, जैसे इट केम अलोंग, जैसे कोविड केम अलोंग विद अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, तो कोविड अपने साथ साथ और चीजों को भी ले आया। तो जरूरी नहीं है कम अलोंग जो है हम लोगों के लिए ही बोलें, कम अलोंग हम चीजों के लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कम बैक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कम बैक, कम बैक मतलब वापस आना, कम बैक का मतलब होता है रिटर्न। ये एग्जाम में इसलिए आता है बिकॉज कम बैक इज इक्वल टू रिटर्न। ठीक है, अब अगर रिटर्न बैक एग्जामिनर लिख देगा तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रिटर्न बैक हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि आप किसी चीज को वापस कर रहे हो तो रिटर्न का मतलब वापस करना ही होता है, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। बैक अगर आपने लिखना है तो कम बैक लिखेंगे।
ठीक है, तो रिटर्न और कम बैक, रिटर्न बैक इज रॉन्ग इंग्लिश. सो आई लेफ्ट वर्क एंड केम बैक होम अर्ली, या रिटर्न होम अर्ली. कम अबाउट का मतलब होता है कुछ होना, कुछ घटित होना, कोई चीज होना, कुछ सॉल्व होना, दैट इज कम बैक. सो कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, हुई कैसे? तो हैपेंड इज इक्वल टू कम अबाउट. सो हैपन का सिनोनियम है कम अबाउट. तो एग्जामिनर हो सकता है आपको ये एंटोनियम सिनोनियम्स में दे दे, एग्जामिनर हो सकता है आपको ये उसमें फ्रेजल वर्ब्स फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे. सो कम अबाउट मतलब कोई भी चीज होना. सो गाइस दीज वर 8 फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू कम. सी यू सून, थैंक यू.